लेने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। अगर शरीर में फोड़ा, फुंसी, खुजली, लाल दाने चेहरे पे या कहीं भी हाथ पैर में या बेल्ट में, जंघे में, पैर में, उसके लिए बेलाडोना 200 बुखार भी हो, बेलाडोना 200 पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में, फिर आधे घंटे के बाद ही पर सल्फ 30 पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। और अगर बड़ा फोड़ा है तो उस पर पीसी पीस के गरम करके एक चम्मच पान में, पान का पत्ता में एक चम्मच लगा के ठंडा होने पे थोड़ा गुनगुना रहे उसमें बांध दें, उससे थोड़ा एक ही दो दिन में छोटा भी हो जाएगा और बह भी जाएगा। इसके लिए अगर कड़ा है, पत्थर की तरह है थोड़ा, तो कैल्केरिया फ्लोर 200 पाँच दिन एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने, फिर लेफ्ट साइड का अगर फोड़ा है बड़ा बह नहीं रहा है तो लैक्सिस 200 पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने, उससे थोड़ा धीरे धीरे एक दो दिन में छोटा भी हो जाएगा, बह भी जाएगा, दर्द भी सही हो जाएगा। उसके लिए अगर ब्लॉकेज है लीवर में, फिर बढ़ गया, लीवर बढ़ रहा है, उसके लिए पेशाब पीला हो रहा है, रक्त के थैली में पथरी है, चाइना 30 पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी मिले, फिर 10 मिनट आधे घंटे के बाद कैल्केरिया कार्ब 200 लेने से पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में, पित्त की थैली का पथरी धीरे धीरे एक 10-15 दिन एक महीने में गल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में। उसके लिए कार्डुअस मेराइनस क्यूब या 30 या 200 पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से भी लीवर नॉर्मल होने लगता है और पित्त की थैली का पथरी भी सही होने लगता है। अगर स्प्लीन में सूजन है, पैंक्रियाटिक अटैक हो रहा है, उल्टी हो रही है, पेशाब पीला हो रहा है, आँख पीली है, इसके लिए चिलिटोनियम क्यूब पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से पेशाब पीलापन सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और पित्त के थैली की पथरी भी गलने लगती है। अगर इसमें फोड़े से गाढ़ा खून आ रहा है बार बार तो हेमामेलिस क्यों, या मासिक के टाइम में गाढ़ा खून काला काला आ रहा है तो हेमामेलिस क्यू पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। स्केली कार 30 अगर पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी ज़्यादा लगती है, जाड़े में भी पसीना ज़्यादा आता है और एसी चलाने की ज़रूरत है या कूलर चलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो स्केली कार 30 पाँच बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में आधे घंटे लेने से
गर्मी भी ठीक हो जाता है, पसीना जो आ रहा है या मासिक में जो दिक्कत है या मरा हुआ बच्चा पैदा होने में दिक्कत होती, गर्भ में डिलीवरी ना हो, बच्चा अंदर ही बच्चेदानी में मर जाता है, इसको निकालने के लिए सिकेली का 30 बहुत गजब की रामबाण दवा है। जिंकम मेटेलिकम 200 या 30, टांग की सिराहों में रुधिर की गति की रुकावट, सिराहों में सूजन, उसकी वजह से त्वचा में खुजली, गलन, एक्जिमा में जिंकम मेटेलिकम 200, मिजीरियम 30 या 200, खुजली करने से अगर खून आए, स्कुलरशिप 30 या 200, बादी बवासीर अगर टट्टी के रास्ते पे बहुत ज़्यादा सह दर्द है, इसके लिए स्कुलरशिप 30 या 200, इसके साथ नक्स भूमिका 30 या 200 बारी से लेने से बवासीर में बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। अगर खून ना रहा है बवासीर में तो हेमा मिलिस्क्यू 5 बूंद एक गिलास बॉयल गुनगुना पानी में ले लें, बवासीर नॉर्मल हो जाता है। नक्स भूमिका कड़ी टट्टी, बार बार टट्टी जाने का मन हो, बवासीर में दर्द हो तो ब्रायनिया 200 और नक्स भूमिका 200 बारी बारी से आधे आधे घंटे को ले लें, टट्टी नॉर्मल होने लगता है और बवासीर, बादी बवासीर में भी बहुत जल्दी आराम हो जाता है। अगर बवासीर में खुजली बहुत ज़्यादा है, पानी आ रहा है टट्टी के रास्ते से खुजलाने